हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज बनाया है कचौरी जो बहुत इजी है। आपको ये इवनिंग के स्नैक्स में या चाट आइटम में बहुत ही आसान रहेगी। कचौरी के अंदर फिलिंग के लिए मैंने बहुत सिंपल चीज़ यूज़ की है। 2 पैकेट मूंग दाल में मैंने हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, नमक, सौंफ और जीरा पाउडर को पीस लिया है और चुटकी भर गर्म मसाला डाला है और चाट मसाला। ये सब पीसने के बाद हमें उसे दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो मूंग दाल भिगो कर भी बना सकते हैं, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ये इजी वाला स्टेप है क्योंकि हमें इसे सिर्फ आधा आधा या एक एक चम्मच ही हमें फिलिंग का भरना है। इसके लिए ये इजी वाला है। इसे हम पीसेंगे, इसे साइड में रखने के बाद हम चटनी की तैयारी कर लेंगे, हरी चटनी, मीठी चटनी। देखिए ये होने के बाद, और हाँ, ये सब जब हो रहा था तभी मैंने काबुली चने भी भिगो दिए थे। अगर आपको काबुली चने का नहीं चाहिए तो आप मूंग या आप मटर के रगड़ा टाइप भी आप बना सकते हो। आप काबुली चने भी भिगो लीजिए चाहिए तो, और आलू बॉइल कर लीजिए। हरी चटनी के लिए मैंने यहाँ पे धनिया, मिर्ची और दलिया लिया है। अगर आप दलिया नहीं खाओगे, दलिया नहीं पसंद करते, तो आप सिंगदाना उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। ये सब डाल के मैंने नमक डाला है और नींबू जूस की जगह मैंने सिट्रिक एसिड डाला है। अगर आपके आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप लेमन जूस ही डालिए। मीठी चटनी के लिए मैंने इमली को भिगो दिया था। ये आधा कप इमली है, इसे मैंने 1 या 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहे तो इसे गुनगुने पानी में ही भिगो दीजिए। अगर आप इमली नहीं पसंद करते तो आप खजूर को भिगो कर भी उसे पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। मैंने इमली को छान लिया है और अभी मैं इस मीठी चटनी बनाऊंगी। उसमें मैं तेल में हल्का थोड़ा सा आपको तेल डालना है सिर्फ तड़के के लिए, सौंफ और तेल डालना है। हमें इसमें सौंफ और तेल का तड़का देना है और हमने जो इमली का पानी निकाला था छान कर वो डालना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 चम्मच गुड़ पाउडर डालना है। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद तो आप शुगर पाउडर भी, शुगर डाल दीजिए और हल्का सा नमक, जीरा पाउडर और चिली पाउडर डाल दीजिए। और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 से 6 मिनट ही पकाना है, क्योंकि हमें इसे मीडियम ठीक रखना है, हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है। अगर आपको बहुत गाढ़ा करना है तो आप 10 मिनट पका सकते हैं। देखिए हमारी मीठी चटनी भी रेडी हो गई है। मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा ये मीडियम गाढ़ा हो जाएगा और मुझे कचौरी के लिए मीडियम ही चाहिए, मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। और जैसे ही ठंडा ठंडा होगा रूम टेम्परेचर पे आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे दही को भी फेंट के रख लिया है। दही हल्की गाढ़ी होनी चाहिए और उसमें चीनी डालकर आप दही, चटनी, सारी चीज़ों को फ्रिज में रख दीजिए। आपको जो बनाना होगा, अगर इवनिंग में बनाना है तो आप आफ्टरनून में सारी तैयारी करके रख सकते हैं। देखिए हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। आलू भी बॉईल कर दिए मैंने, चने भी भिगो दिए, सिर्फ उसे बॉईल करना है। तब तक हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। आटे के लिए मैदे 1 कप मैदा लिया है, उसमें अजवाइन और नमक और थोड़ा सा मोयन के लिए तेल डाला है और उसे हम सान ले गूंथ लेंगे। आप याद रखिए, आप तेल डालने के बाद आप जब आटा को गूंदेंगे तो अपने हाथों में वो प्रेस होना चाहिए, मतलब एक मोयन टाइप होना चाहिए। फिर आप उसे गूंथ लीजिए और 10 या 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिए। 10-15 मिनट बाद हम कचौरी बना लेंगे। देखिए मैंने ऑलमोस्ट 1 कप आटे में मैंने 6 से 7 कचौरियाँ बनाई है। इसके लिए मैं इसे हल्का हल्का बेलने के बाद, ज़्यादा हमें बड़ा नहीं बनाना है अदरवाइज ही फूलेंगे नहीं अच्छे से, और हमें मुश्किल से 1 चम्मच की ही स्टफिंग करनी है। अगर आप ओवर फिलिंग करेंगे तो वो फूटने लगेंगे और आपकी कचौरियाँ फूलेंगी नहीं। देखिए मैंने इसे इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी नहीं निकाला है, आपको उसे प्रेस करके ही बेलना है। आपको सारी पूड़ियाँ ऐसे ही बना लेनी है। तलने के पहले आप सारी बना के रखिए। अगर आपको इवनिंग में गेस्ट आ रहा है और आपको ये प्रिपेयर करना है तो आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख सकते हैं और आपको सिर्फ फ्राई करके उसे उसे भर के देना रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए और कमेंट करिए। आपको अगर ऐसी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो आप बताइए। और आजकल मेरी लाइव वीडियोज़ आ रही है मिठाई की, प्लीज़ वो देखिएगा और बताइएगा आपको कैसे लग। देखिए तेल गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर 1-1 कचौरी को ही तलूंगी, क्योंकि मैंने एक साथ डाल दिया तो उसे फूलने नहीं मिलेगा। जब वो फूल जाएगा तब आप दूसरा डालिए, अदरवाइज वो फूलेगा नहीं और आपकी कचौरियाँ चिपटी चिपटी बन जाएगी। और आपको फ्लेम ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा मीडियम रखना है, क्योंकि अगर आप हाई रखेंगे तो वो ऊपर से ही कलर चेंज हो जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी। देखिए ऊपर ऑलमोस्ट अपने आप फूल रहा है और ये जैसे ही फूल जाएगा उसके बाद मैं दूसरी कचौरियाँ डालूंगी, क्योंकि हमें उसे फूलने के लिए स्पेस चाहिए। अगर आपके पास इससे भी बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ दो दो डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 1-1 ही डाला है।
देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारी कचौरी ऐसे निकाल ली है जो ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है, मैंने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। देखिए मैं उसे साइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसे फूलने देना है। देखिए अभी ऑलमोस्ट दोनों फूल गई है तो आराम से उसे सेकेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है, कचौरी, दही, चटनी, बारीक सेव, काबुली चना, बॉइल्ड आलू, और थोड़े से ऊपर से मसाले छिड़कने के लिए मैंने चाट मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर निकाल लिया है। ये सब होने के बाद हम कचौड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे हम कचौड़ी का देखिए जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, मैंने उसे ऊपर की तरफ लिया है और हार्ड पार्ट को नीचे रखा है, क्योंकि वो हार्ड पार्ट नीचे रहेगा तो आपको लॉन्ग टाइम तक वो सॉगी नहीं होगा और मुझे ज़्यादा फिलिंग करनी है, इसके लिए मैंने ऊपर का सॉफ्ट पार्ट ले लिया है और उसे निकाल दिया। देखिए अंदर की फिलिंग दिख रही है ना आपको, उसमें मैं ढेर सारी फिलिंग करूंगी, आलू, चना। अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप मटर का रगड़ा भी बना सकते हैं। ये भी तैयार हो गई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं सारी कचौरी एक साथ तैयार कर लूंगी क्योंकि मुझे एक साथ सर्व करना है। अगर आपको एक साथ सर्व करना है तो आप सारी तैयार करके भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर के सॉफ्ट वाले पार्ट को ही निकाला है, नीचे हार्ड वाला पार्ट रखा है जिससे वो लॉन्ग टाइम तक सॉगी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अंदर ज़्यादा फीलिंग करनी है। अगर आपको फीलिंग ज़्यादा नहीं करनी है तो आप ऊपर का पार्ट भी हार्ड ही रखिएगा और आप थोड़ा सा ही ओपन करके आप चटनी फीलिंग करके इसे खा सकते हैं, बट ये ज़्यादा फीलिंग से बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ये काबुली चने का कॉम्बिनेशन ट्राई करना। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपको नेक्स्ट स्टार्ट रेसिपी कौन सी चाहिए।